गर्मी के मौसम में आप रहें कूल, इसलिए लेकर आए हैं हम अब हर ब्रांड के फ्रिज, कूलर, एसी, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, इन सभी की विस्तृत श्रृंखला और वो भी आसान फाइनेंस सुविधा के साथ। जी हाँ, छाबड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, शहर का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, पंधाना रोड, खंडवा। संपर्क सुदीप सिंह छाबड़ा, मोबाइल नंबर 9111015115 और सतबीर सिंह छाबड़ा 9111015116। खंडवा में आज भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में जिला के किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेरावा किया। किसानों का आरोप था कि उनको फसल बीमा राशि के नाम पर धोखा दिया गया। जिन किसानों को मंच में से बुलाकर नेता और अधिकारियों ने बीमा राशि के चेक बांटे थे, उनको अभी भी खाते में अब तक बीमा राशि नहीं आई। गुस्साए किसानों ने बीमा कंपनी का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि अगर जल्द ही किसानों को फसलों के नुकसान की राशि नहीं दी गई तो वह दूध सब्जी बंद कर उग्र आंदोलन करेंगे। खंडवा में आज भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों ने आज कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। 2 घंटे से विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों ने बीमा कंपनी को सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने अपनी समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में अपर कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन सौंपने के बाद किसानों ने बीमा कंपनी का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप था कि जिन किसानों को अनाज मंडी में बुलाकर बीमा राशि के चेक दिए गए, उन किसानों के खाते में अब तक राशि नहीं आई है। अगर बीमा कंपनी और सरकार किसानों के खाते में बीमा राशि जल्द नहीं डालती है तो किसान दूध सब्जी सब बंद कर उग्र प्रदर्शन करेंगे। भारतीय किसान संघ के विरोध प्रदर्शन में बीलखेड़ी के किसान रामदास कड़वा भी अपना 2,800,000 रुपए का चेक लेकर धरना स्थल आए और उन्होंने आरोप लगाया कि नेता और अधिकारियों ने मुझे मंच पर बुलाकर एक चेक उन्हें दे दिया, लेकिन खाते में अब तक 1,50,000 रुपए ही डाले गए। 55,000 रुपए के लिए वह अभी अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। बीमा कंपनी द्वारा कई सालों से किसानों को छला जा रहा है और कई बार इसको लेकर आंदोलन भी किए गए हैं। सरकार द्वारा किसानों को सहायता राशि के रूप में थोड़ा बहुत दिया जाता है, लेकिन जब बीमे की बात आती है तो किसी किसान का मतलब कई किसानों का कई नुकसान हो जाता है, लेकिन बीमा का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से आज तारीख तक किसानों को उसका राहत राशि नहीं दी गई। और जो 7,600 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक क्लिक के माध्यम से 12 फरवरी को डालने का बोला था, कृषि मंत्री जी ने उनके हाथों से किसानों को चेक बांटे थे, लेकिन आज सारी तो जो चेक बांटे थे उसका पैसा भी नहीं डाला है। और कई किसान बैंकों के चक्कर लगा रहे बेचारे, बार बार अपनी पासबुक की एंट्री करवाते हैं कि मेरा बीमा आ गया हो तो मैं कुछ काम में ले लूं। आगे भी त्यौहार आने वाले, सोसाइटियों की हड़ताल चल रही है और ऐसा को मतलब ऐसी स्थिति में किसान बहुत परेशान है और इसलिए हमने आज बीमा कंपनी पुतला फूंका है। प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि जब बीज बोएगा किसान, वहाँ से लगाकर उसके खले तक फसल आएगी वहाँ तक का बीमा कर रहा हूँ, लेकिन किसानों की 2018, 19, 20, 21 तक सारी फसलें खराब हो गई। इस साल भी प्याज की फसल, सोयाबीन की फसल खराब हो गई, लेकिन इसका कोई सर्वे नहीं किया गया। बीमा कंपनी द्वारा जो छला जा रहा है और जो करोड़ों रुपए की जो पॉलिसी का जो पैसा हड़प किया जा रहा है, सरकार और बीमा कंपनी सब मिले हुए हैं और किसानों को आज तारीख तक इसका कोई लाभ नहीं दिया गया है। क्या करेंगे आगे? अगर नहीं, अगर इसका फायदा किसानों को ढंग से मिलता, अगर जिस प्रकार से सभी कंपनियों के बीमे होते हैं मकान का, गाड़ी का, वैसे मतलब ऐसा बीमा किसानों को नहीं दिया जाता तो हम यहाँ पर दूध फल सब्जी रोकेंगे और आंदोलन किया जाएगा, कलेक्टर का घेराव किया जाएगा। और जब तक हमारी मांगों को बीमा कंपनियों को बीच में नहीं आकर किसानों को पैसा दिया जाता, जब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। मेरा नाम रामदास पटेल कड़वा जी, बिलखेड़ी से हूँ। मेरी ये 18 एकड़ का जो बीमा मिला है उसमें ये चेक दिया है मुझे 2,02,800 का, बाकी उसमें मेरे को 55,000 रुपये अभी आए नहीं। क्या कहेंगे इसको लेकर? इसको लेके मेरे साथ धोखा किया गया है, मेरे को चेक पहले दे दिया गया और पैसे अभी तक दिए नहीं। और ये सब मंत्रियों ने वहाँ स्वागत किया और मेरे को बुलाया गया, उसके बाद में भी ये चेक में पैसे नहीं आए। क्या लगता है, क्या मंशा है सरकार की? अब सरकार की मंशा क्या है ये तो अब वही जाने। बीमा कंपनी की क्या? बीमा कंपनी तो अभी तक कई लोगों के बीमे नहीं आए, इसमें भी क्या मानूं। अब आधे दिए बोले, एक क्लिक का था तो एक क्लिक में उन्होंने मुझे नहीं दिया और अभी क्या मालूम कितने दिन, एक महीने से ऊपर हो गया है। और कैसे कितने किसान होंगे जिनका बीमा नहीं आ रहा? ऐसे कई सैकड़ों किसान घूम रहे बैंकों में, बीमा आया वहाँ से भी भगाते हैं, अधिकारी सुनते ही नहीं। सरकार से क्या मांग करेंगे आज कि सबके बीमे दे? अगर ये चेक मेरे पास सबूत नहीं रहता तो बस आ गया बीमा, बस खेल खत्म, खा जाते उतने पैसे और क्या था।